आज से नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और ये धारी देवी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है उत्तराखंड का। और जो जून 2013 16 जून 2013 में जो आपदा आई थी, ये मूर्ति जो मूल स्थान है इस मंदिर का, वहाँ पे थी उस समय, और मूर्ति को वहाँ से उठाकर हटाया गया था। उसके बाद आपको पता है कि केदारनाथ में बड़ी आपदा आई थी, और लोग ये भी कहते हैं कि अगर इस मूर्ति को अपने मूल स्थान से नहीं उठाया जाता तो वो उतनी बड़ी आपदा नहीं आती। लेकिन अब एक और बड़ी मुसीबत यहाँ पे आ गई है, ये मंदिर जो नया मंदिर है, एक कहेंगे कि आर्टिफिशियल मंदिर है ये, इसमें वो सौंदर्य तो नहीं है जो मूल मंदिर में था। लेकिन एक और दिक्कत यहाँ पे पेश आ रही है, आप देख सकते हैं कि जो ये मंदिर है ये नदी से काफ़ी ऊपर उठाकर बनाया गया है, लेकिन जो आपदा आई थी 2013 में उसमें काफ़ी गाद और मलबा इस पूरी नदी में भर गया है, और हर साल जो पानी ऊपर से आता है ग्लेशियर से, उसके साथ मिट्टी मलबा यहाँ पे आता है, रेत आती है, और लगातार पानी का जो लेवल है हर साल यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से कभी भी ये मंदिर जो नया मंदिर है, कृत्रिम मंदिर है, वो भी डूब क्षेत्र में आ सकता है और ये भी डूब सकता है। तो हालांकि नवरात्र हैं ऐसा कहना बड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पे यहाँ पे स्थानीय लोग और बाहर से जो लोग आते हैं उनकी श्रद्धा का एक केंद्र है। मेरे साथ इस समय यहाँ के जो पुरोहित हैं वो है मौजूद, और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वाकई इस तरह की समस्या यहाँ पे पैदा हो रही है कि जो जल स्तर है वो ऊपर चढ़ रहा है यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि जिस हिसाब से आप जानते हैं कि ये मई जून का महीना जो आता है भीषण गर्मी पड़ती है, ग्लेशियर पिघलता है, उसके कारण जो है पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाष्प बनता तो ज़्यादा बारिश आती है, तो उसके साथ ये अलकनंदा नदी अपने साथ बहुत सारा ये मलबा गाद ये लेके आती है अपने साथ, तो ये मलबा हर साल प्रतिवर्ष ये बढ़ता जा रहा है। आपने जब देखा होगा 2013 में जब ये बाढ़ आई थी, उस समय ये रेत जो ये दिख रही है आपको, उस समय बहुत नीचे थी। 2013 के बाद से जितनी बारिशें हो रही हैं, जितना ये चला जा रहा है, नदी में बहता हुआ आ रहा है, ये इसके लेवल को ऊपर ऊपर बढ़ाने पे लगा हुआ है। जब पिछली बार अभी बारिश आई थी सावन के महीने में, तो मात्र 2-3 मीटर यहाँ इस जो मंदिर में आप खड़े हैं उससे मात्र 2-3 मीटर नीचे पानी था। अगर ये मलबा यहाँ से साफ नहीं होता है, इसे निरंतर अंतराल पर साफ नहीं करवाया जाएगा, तो ये पूरा भर जाएगा और यहाँ भी पानी आने की पूरी संभावना रहेगी। ये बात आपने जो यहाँ पे सरकार है, बीजेपी की सरकार है, धर्म से बात करती है, धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, क्या बीजेपी सरकार के संज्ञान में है? और जो यहाँ के विधायक हैं धन सिंह, उनको भी बताया आपने इस बात को? देखिए, ये बात कोई बताने वाली तो है नहीं, ये विद्यमान बात है, सब देख रहे हैं, सबको मालूम है। धारी देवी मंदिर 16 जून 2013 से पहले नीचे पे था। 16 जून 2013 आप अगर गिनती करेंगे तो लगभग 6 साल होने को हैं। किसको नहीं मालूम कि यहाँ पर मंदिर नीचे था और यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इस जगह पे कंपनी ने कहा कि कुछ समय के लिए, कुछ समय, आप इस बात को ये भी कर सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं, कुछ समय का मतलब ये था कि देवी का मंदिर फटाफट बन जाता और देवी जो यहाँ पर इस समय है, देवी को फिर से उनके मूल स्थान पर लिया जाता। ये उच्चीकरण का आदेश जब सरकार ने उस समय दिया था, यही सोच के दिया था कि इस मूर्ति को ऊपर उठा दो। यहाँ से कुछ पूछा नहीं गया, कुछ जांचा नहीं गया, किस तरह से क्या हुआ, ऊपर ऊपर क्या चलता है, ये तो हम नहीं जान सकते, हम तो यहाँ मात्र पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब उच्चीकरण का आदेश दिया तो ये स्थान बन चुका था। ये स्थान इसलिए बना था ताकि देवी को कुछ समय के लिए, अब ये कुछ समय जो है लगभग 6 वर्ष होगा, इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते थे। और अभी भी आप उस मंदिर में जाके देखेंगे तो अभी भी वो पूरा नहीं बना है, उसके ऊपर कंपनी का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा था कि मंदिर पुजारी समिति के अकॉर्डिंग बनेगा, जैसा पुजारी समिति बोलेगी उस तरीके से बनेगा, लेकिन बीच बीच में ये अपनी चीजें लाते हुए मंदिर की शोभा भी खराब कर रहे हैं और उसमें और ज्यादा समय लगा रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर आप जिस तरह से पूछा कि बीजेपी की सरकार धर्म से जुड़ी है, देखिए सरकार किसी की भी हो, अगर हिंदू है तो धर्म से जुड़ेगा, और जब हम ही लोगों को अपने धर्म की सुरक्षा करना नहीं आ रहा तो हम किससे क्या कहेंगे। आए, देखा, कहा पंडित जी हम करेंगे, लेकिन अभी तक आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक शब्द है संस्कृत में कि जो आपके प्रत्यक्ष है उसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर कार्य हुआ होता तो आपको यहाँ पर कार्य हुआ ही नहीं है।
बिल्कुल, यहाँ पे साफ तौर पे पंडित जी का कहना है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा भी था कि जल्दी से जल्दी इस मंदिर को जहाँ इन अब शिफ्ट होना है, मूर्ति को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 6 साल गुजर गए हैं और धारी देवी की जो मूर्ति उठा के मूल स्थान से लाई गई थी, जो उसमें बताया गया था एक खूबसूरत मंदिर में स्थापित किया जाएगा, वो ऊंचाई में है इस जगह से, वहाँ पर अभी तक स्थापित नहीं किया गया। साथ में जो दूसरी समस्या यहाँ पे पैदा हो रही है कि पानी का जो लेवल है, जल स्तर है, वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये मंदिर भी कभी भी डूब क्षेत्र में आ सकता है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार और जो स्थानीय हम लोग हैं यहाँ पे, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस नवरात्र में ये सौगंध लें कि धारी देवी शक्तिपीठ को बचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जागो उत्तराखंड के लिए, धारी देवी शक्तिपीठ से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।